सन के आगे पीछे फीमेल प्लैनेट बैठे हों, सैटर्न या राहु जैसे प्लैनेट उनको देखे, क्योंकि ये सैटर्न राहु क्या है, ना मेल है ना फीमेल, तो संभावना हो जाती है कि फादर की दो शादी। डुअल साइन का बहुत बड़ा रोल होता है, जेमिनी वर्गो, क्योंकि जीव खुद भी डुअल साइन में है। ठीक है, फादर की अब एक चीज होती है, आप अगर आप देखते दैट कैप्रिकॉन इज द नेचुरल नेचुरल 10th हाउस ऑफ द कालपुरुष कुंडली, यानी कि आपके करियर को ये सबसे ज्यादा दिखाता है, यानी कि अगर जो प्लैनेट कैप्रिकॉन में बैठता है वो आपके कैरियर को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो कालपुरुष कुंडली की 10वीं राशि है, 10वां भाव आप समझ लीजिए, दूसरा सैटर्न उसका डिस्पोजिटर हो जाता है, तो सैटर्न विल कैरी द एनर्जी ऑफ द कैप्रिकॉन प्लैनेट। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, तो जैसे मून कैप्रिकॉन का है तो उसके प्रोफेशन में क्या है, बदलाव, चेंज, ट्रैवल, फूड, आर्ट, डिजाइनिंग, मदर से जुड़ा हुआ कर्म प्रोमिनेंट हो जाएगा क्योंकि मून कैप्रिकॉन में है, और जो भी कैप्रिकॉन में प्लैनेट बैठता है वो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म तक आपके कर्म को जोड़ के रखता है किसी चीज से। फॉर एग्जाम्पल वीनस कैप्रिकॉन का है, इवन दो जैसे जब वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा, जब उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई इवेंट होगा तो करियर में भी इवेंट आएगा क्योंकि वो कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है। या जैसे मान लीजिए वीनस है, वीनस कैप्रिकॉन में अफ्लिक्टेड है, परेशान है, खराब है, तो वाइफ से जुड़ा हुआ या वुमन से जुड़ा हुआ कुछ कर्म प्रोमिनेंट चलेगा, अगर कोर्ट केस हो गया तो लॉन्ग टर्म चलेगा, दिक्कतें आई तो दिक्कतें लॉन्ग टर्म चलेंगी, वीनस इन कैप्रिकॉन। शादी होगी तो क्या होगा, प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव होगा, शादी लेगा या गाड़ी लेगा या फ्लैट लेगा उस दौरान, और वीनस कैप्रिकॉन में है तो मेडिसन, फैशन, फाइनेंस, व्हीकल, लग्जरी से जुड़ा काम आ सकता है उसके प्रोफेशन, यानी कि वीनस क्या करेगा, कैप्रिकॉन को इफेक्ट दे रहा है और सैटर्न उसकी एनर्जी को लेके जाएगा, यानी कि जीवन में फीमेल अगर आएंगी जितनी बार, चाहे वो संतान हो चाहे पत्नी हो, वो करियर में कुछ अच्छा लेके आएंगी, या पत्नी काम करने वाली भी हो सकती, वाइफ विल बी वर्किंग बिकॉज वीनस इन कैप्रिकॉन वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जिस भी करंट है तो जैसे मून कैप्रिकॉन तो मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर को शी हैज टू वर्क अ लॉट, वीनस इन कैप्रिकॉन कैसे हो सकता है फिर, पत्नी काम करने वाली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो सकती है, हो सकता है महिलाओं से जुड़ा, कपड़े सीने वाले के झाड़ में भी वीनस कैप्रिकॉन मिल सकता है ना, महिलाओं का कपड़ा कॉस्मेटिक का काम करने वाले वीनस कैप्रिकॉन हो सकता है। मार्स इन कैप्रिकॉन सुन लीजिए अभी पूरा, मार्स कैप्रिकॉन में है तो मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर, शनि उसकी एनर्जी लेके जाएगा जहां भी जाएगा, जिस भाव में जाएगा, जिस राशि में देगा वहां चैलेंजेस देगा, लेकिन एग्जॉल्टेड होता है, अपने हिसाब से काम करने वाला, डिफेंस, पुलिस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम में, यानी भाई से जुड़ा कर्म ज्यादा हो सकता है व्यक्ति का, भाई से कर्म ज्यादा जुड़ा हो सकता है, भाई को देना है या पति को देना है, अगर किसी महिला के चार्ट में मार्स कैप्रिकॉन है और अफ्लिक्टेड नहीं है, द हस्बैंड विल बी एग्जॉल्टेड, मतलब एक हाई लेवल का पर्सन, या जिससे उसकी शादी हो जाएगी फिर वो बाद में क्या करेगा, राइज देगी, वो जिसके साथ उसकी शादी होगी वो राइज दे देगी उस पर्सन को, और मार्स कैप्रिकॉन शादी डिले कर सकता है किसी महिला के चार्ट में अगर सैटर्न के साथ एक्सचेंज हो, सैटर्न ट्राइन में बैठा हो, डिले, क्योंकि वो उसका गड़बड़ा देगा, वो एक्सचेंज को ही गड़बड़ा, एग्जॉल्टेशन पोजिशन को गड़बड़ा देगा। मैंने कहा मार्स कैप्रिकॉन का है और वो सैटर्न के साथ एक्सचेंज हो जाए किसी वे में, तो वो उसका एग्जॉल्टेशन गया, हाँ बिल्कुल, तो वो महिला के लिए खराब हो जाता है, भले ही वो एग्जॉल्टेड है, भले ही उसके अंदर वो मार्स के गुण ज्यादा है, प्रोफेशन में भी अपने हिसाब से ज्यादा अपने हिसाब से काम करना पसंद करेंगे, दूसरों का नहीं आए। बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मार्स जिस भी भाव का स्वामी हो उसको देखें, है ना, अच्छा होता है, जैसे 8th लॉर्ड मार्स एग्जॉल्टेड बैठा तो ऑकल्ट के लिए सही है वो है, लेकिन हम अभी मार्स कैप्रिकॉन की ही बात कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप
की बात हो रही, तो आपका कार्मिक रिलेशन भाई के साथ हो सकता है, ठीक है, सबसे ज्यादा अफ्लिक्ट। जैसे मान लीजिए मार्स कैप्रिकॉन का है, अब आप इसमें ये देखिए कि ट्राइन में केतु वर्गो या मर्करी केतु बैठा हो, तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सीए, लॉ, ये आ जाएगा अपने आप ही कर्म में आ जाएगा, क्योंकि कैप्रिकॉन के ट्राइन में वो प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर हम ये देखेंगे कैप्रिकॉन मून यहाँ पे बैठा हो, उसके ट्राइन में सन केतु है, जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं फादर भी मोमेंट में रहे होंगे, ट्रैवल, फादर ने लिविंग प्लेस चेंज किया होगा, इसके बाद चेंजेस कुछ किए होंगे इसके पैदा, जस्ट पैदा होने से पहले कहीं शिफ्ट हो गया होगा, ये हम बोल सकते हैं ना, समझ में आया। जुपिटर कैप्रिकॉन में डेबिलिटेड हो जाता है, लेकिन डेबिलेशन कैंसिल हो जाता है कि कब एक्सचेंज हो जाए, शनि उसको देख ले, ठीक है, या मार्स उसके साथ बैठा हो या मार्स उसके ट्राइन में बैठा हो। जुपिटर कैप्रिकॉन वाले आपको बहुत मिलेंगे जो टीचर्स होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, बिकॉज कैप्रिकॉन इज द राशि ऑफ कर्म, प्रोफेशन को इफेक्ट करेगा, सैटर्न को इफेक्ट करेगा, विजडम, प्रैक्टिकल विजडम हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर। जुपिटर कैप्रिकॉन में डेबिलेटेड होता है तो गुरुओं के साथ दिक्कतें ज्यादा देगा, गुरुओं के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं ना। जुपिटर कैप्रिकॉन का है तो उसका धनु राशि, मीन राशि बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि डेबिलेटेड प्लैनेट ये है जहां हमें इस बर्थ में बहुत कुछ सीखना है, हो सकता है हम टोटली इंडल्ज हो जाए उस काम में, ठीक है। जैसे जुपिटर कैप्रिकॉन का हो, वीनस मर्करी पाइसिस का हो, वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं पाइसिस में, तो वो जीव जुपिटर तो इनकी एनर्जी लेके भी सैटर्न के उसमें बैठा ना, सैटर्न के साइन, तो फाइनेंस हो गया, महिलाएं होना काम में, ये आ सकता है। तो जुपिटर कैप्रिकॉन को आप ऐसा ना समझे कि वो डेपिलेटेड है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन साइनस का इशू, लीवर का इशू, स्टमक से रिलेटेड इशू, जुपिटर से रिलेटेड ऑर्गन में दिक्कतें देगा, क्योंकि जुपिटर डेबिलेटेड है, काम करेगा, टीचिंग करेगा। आप लोग कहते हैं ना कि अगर तुम टीचर बन जाओगे तो बृहस्पति शुभ देगा, अरे वो तो बन बन सकता है, अब इट्स द वन ऑफ द कंडीशन कि जुपिटर कैप्रिकॉन में अच्छा गुरु बन जाए वो, लेकिन वो डेबिलेटेड है तो उसके ऑर्गन में दिक्कतें आ सकती हैं, वो एक नेचुरल, एक अलग चीज हो गई, इसका मतलब नहीं कि एक ये चीज कर रहे हैं तो वो ये नहीं होगी। अष्टम भाव खराब रिजल्ट नहीं देगा अगर ज्योतिष पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ना इज ज्योतिष इज वन पार्ट ऑफ 8th हाउस, इसका मतलब ये नहीं होता है हर आदमी रोज 8th हाउस एक्टिव करता है सुबह उठ के, एवरीबडी इज यूटिलाइजिंग ऑल द हाउसेस। हाँ, यूटिलाइज क्या करना है, लोग कराते हैं ना यूटिलाइज करो, यूटिलाइज करोगे हाउस को तो भाई तुम रोज ही यूटिलाइज करते हो 8th हाउस, हर आदमी यूटिलाइज करता है, इसमें क्या है, 8th हाउस इज एग्जिट ऑफ फूड, सेकेंड हाउस को आप करो जी यूटिलाइज, भाई सेकेंड हाउस को तो रोज ही करते हो ना, बोलते हो, खाना खाते हो, 12th हाउस खराब रिजल्ट नहीं देगा अगर 12th हाउस के रिजल्ट, 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को वो करोगे, यार 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, उस 12वें भाव का नींद एक कारक है, फॉरन एक कारक है, एक्सपेंडिचर अलग है, दूसरी चीज अलग है, 8th हाउस का ऑकल्ट अलग चीज हो गया, एक्सीडेंट अलग चीज हो गया, लॉन्ग टर्म डिजीज अलग हो गया, मदर सास जो भी है अलग हो गया, वाइफ की इनकम हो गई वो अलग, वो अलग है, इनहेरिटेंस वो अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पे जाएगा, हो सकता है आप में से 8th हाउस एक्टिव हो, आप ज्योतिष सीख रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको कुछ हेल्थ इशू भी चल रहे हो साथ साथ, तो कई बार डर जाते हैं अरे ऑकल्ट सीखोगे तो ये हो जाएगा, डर के मारे ऑकल्ट ही नहीं सीखते हो, ज्योतिष ही नहीं सीखते, छुप छुप के वीडियो देखते हैं, कहीं अष्टम भाव तो नहीं देख रहे हैं नहीं देख रहा, सोचने वाली बात है ना, अरे भैया सेहत अलग चीज, खराब होना एक अलग चीज, सीखना एक अलग चीज, अष्टम भाव एक हाउस और एक साइन की इतने सारे कारक तत्व है, एक को दूसरी पे नहीं फिट कर सकते ना, सुन लीजिए। हाँ पूछिए पूछिए, बिल्कुल हाँ सबके लिए लागू होता है, सेम, समझ में आ गया, ठीक है। अब जुपिटर कैप्रिकॉन का ये है, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत है, हाँ होगा,
अगर अगर मार्स बैठा ना उसके जुपिटर कैप्रिकॉन में, मार्स बैठा ट्राइन में, तो जुपिटर का एग्जॉल्टेशन नहीं, नहीं 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 ऐसा क्यों, जो डेवलेशन का बता रहा क्यों। ऐसे नहीं, ऐसे होगा ही नहीं ना। मून बैठे तब तो मैं बोलूं, मार्स और मून का कॉम्बिनेशन, मार्स मून का ट्राइन अच्छा नहीं होता क्योंकि मार्स डेवलेटेड होता है उसके घर में जाकर, तो वो गड़बड़ है, वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता, खराब ही होता है मार्स मून का कॉम्बिनेशन एज पर नाडी, क्योंकि एक दूसरे के घर में नीच हो जाते हैं, ठीक है ना, फ्लक्चुएशंस क्रिएट करना वो सारी चीजें। मार्स कर्क राशि में नीच का होता है, चंद्रमा स्कॉर्पियो में होता है, इसीलिए ठीक है, तो नाड़ी में उसको ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। अब मान लीजिए मरकरी कैप्रिकॉन में हो, तो मरकरी बोलने का, लिखने का, बिजनेस, पब्लिशिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें उसके करियर पे प्रभाव डालेंगे, मरकरी प्रभाव डालेगा उसके प्रोफेशन, कैप्रिकॉन में अगर प्लान बैठा। बुआ मौसी का कर्म ज्यादा जुड़ा होता तो उनको ज्यादा देना पड़े, एफ्लिक्टेड हो गया तो उनको दिक्कतें होगी, बनेगी नहीं। हो सकता है बुआ के साथ लड़ाई हो, मरकरी कैप्रिकॉन में है और जॉब में प्रॉब्लम आ रहा हो, वो कहेगा यार बुआ बुआ के साथ झगड़ा, इसीलिए करियर में प्रॉब्लम आ रहा है, बट दैट इज अ साइमल्टेनियसली, क्योंकि ग्रह क्या है, एक लिविंग है एक नॉन लिविंग। हाँ बुआ ने कुछ कर दिया, समझ में आया क्या, मरकरी कैप्रिकॉन का, ठीक है ना। तो जो भी प्लांट कैप्रिकॉन में बैठता है, जब उससे रिलेटेड इवेंट होते हैं आपके जीवन में, तो करियर में भी चीजें साथ साथ हो सकती हैं। तो मर्करी कैप्रिकॉन में अपनी कम्युनिकेशन स्किल या दूसरी चीजों को इस्तेमाल ज्यादा करेगा, या उससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, तो मर्करी कैप्रिकॉन में बैठा वो आपके प्रोफेशन में इंपैक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा, बिजनेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब सूर्य, सूर्य कैप्रिकॉन में है तो गवर्नमेंट, क्योंकि कालपुत कुंडली का लॉर्ड है ना कैप्रिकॉन, आपको हर 4 में नहीं मिलेगा कैप्रिकॉन में प्लैनेट, लेकिन जहां मिलेगा वहां लेना पड़ेगा, क्योंकि कैप्रिकॉन नेचुरल 10th हाउस है, तो और वो सैटर्न का भी डिस्पोजिटर हो जाएगा, सैटर्न उसको कैरी करके ले जाएगा एनर्जी। तो सन अगर कैप्रिकॉन में है तो फादर को वर्कोलिक होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देगा, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है समथिंग। अब सूर्य देखें यहाँ पे राहु के साथ हो सकता है फोटोग्राफी, डिजिटल कोई काम, ठीक है, एक्सरे से जुड़ा काम, मतलब जो कॉम्बिनेशन बना है कैप्रिकॉन में, लेकिन वो सन का इन्फ्लुएंस आ जाएगा पिता के प्रोफेशन को। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है ना सन कैप्रिकॉन में, बिल्कुल फादर की लाइफ में हार्डशिप ज्यादा हो सकती सन कैप्रिकॉन। बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए आपका राहु केतु कैप्रिकॉन में बैठा हो, केतु कैप्रिकॉन में बैठा हो, चलो मैं बताऊं, केतु कैप्रिकॉन में बैठा हो तो क्या करता है, करियर में ब्रेक देता है, स्प्लिट करता है, या करियर इन सब चीजों में होता है, जैसे ज्योतिष हो गए, स्पिरिचुअल हीलर हो गए, इन सब में देता है, ऑडिटिंग में भी जा सकता है, नुक्ताचीनी थोड़ा गहराई में जाने, हाँ स्प्लिट कर सकता है ना आपका। तो केतु कैप्रिकॉन वालों को प्रॉब्लम आता है कईयों को जॉब में, जैसे सैटर्न केतु वालों को आता है वैसे केतु कैप्रिकॉन वालों को भी आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि केतु कैप्रिकॉन में कहीं भी बैठ जाए जिस हाउस में, वहां से रिलेटेड चीजों को आप मुक्त करना चाहते हैं इस जीवन में, या मुक्त करेंगे। हाँ कई बार ऐसे भी होता है कि वो काम नहीं करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। केतु कैप्रिकॉन इन द 7th हाउस, हो सकता है अपने रिलेशनशिप या पत्नी से मुक्त होना चाहता हो, ये भी ठीक है, ये उसका एक लास्ट बर्थ है। आपको आप ऐसा भी देख सकते हैं कि मुक्त करना चाहते हैं या आप भी मुक्त करना चाहते हैं, जैसे केतु इन द 4th हाउस, देश आजाद करना चाहता हूँ, मुक्त करना चाहता हूँ। कैप्रिकॉन इन द 4th हाउस कहाँ से जुड़ा, कैप्रिकॉन इन द 4th कर्म कहाँ से जुड़ा, मदरलैंड से, मदर से, प्रॉपर्टी से, फादर से, सॉरी इन सारी चीजों से। केतु यहाँ पे आया तो छुड़ाना चाहता है या मुक्त करना चाहता है, या हाँ बस ये चीजें हो सकती हैं। मदर के साथ सेपरेशन, वो उसके कर्म में आ गया, देखो कर्म और केतु, कैप्रिकॉन कर्म हो गया, केतु प्लैनेट हो गया, वो तो वो कर्म और केतु जिस भाव में बैठ रहे हैं
वहां से, जैसे भाई कैप्रिकॉन अगर आपका सेकंड हाउस में आए और केतु बैठ जाए, तो उसमें पैसों का ऑडिट करने वाला हो या पैसों से जुड़ी चीजों में कुछ किसी चीज को मुक्त करना चाहता हो, है ना? समझ में आया क्या? हाँ हाँ केतु अगर कैप्रिकॉन में है तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट काम भी कर सकता है ना, मैं इंडिपेंडेंट करना, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना। महात्मा गांधी जी का केतु कैप्रिकॉन का फोर्थ हाउस का है, भारत देश आजादी आंदोलन चलाओ, है ना? आजकल तो बहुत सारे लोग गांधी से जुड़ चेड़ खा जाते हैं, समय की बात है, समय की बात है ना? सबको दिक्कत, अब तो लोग नहीं था, अब तो देते हैं ना गांधी जी गाली, समय होता है वो। हो सकता है राहुल गांधी को आज गाली दे रहे हैं तो वो पता चला वो एक दिन, समय समय जो है जब चलता है तो सारी चीजें फेवर में चलने लगती हैं। फिर पप्पू भी, पी फॉर पप्पू, फिर टी फॉर बन सकता है, मतलब मैं बता रहा हूँ समय क्या होता है, कभी बायस नहीं होना चाहिए आदमी, ठीक है ना? वो ऐसा नहीं है कि भाई समय, समय बहुत सारी चीज है। जो क्लास में एक डफर स्टूडेंट था आज वो टॉप में कहीं बैठा हुआ किसी रैंक में, और मोदी जी चाय बेचते थे आज पीएम, समय की बात है, समय बहुत खतरनाक चीज होती है। That is a, समय है ना? तो अब राहु कैप्रिकॉन में है तो छोटा करियर दे सकता है, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे सकता है, फिर धीरे धीरे फॉरन का कोई काम ऑनलाइन। राहु कैप्रिकॉन में है ना, राहु एक अच्छा वो नहीं है कि जैसे आपको बड़ा दे दे एकदम से, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट जॉब, हाँ हाँ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होता है राहु, राहु कैप्रिकॉन का इन सब चीजों के लिए अच्छा था। ऑनलाइन कोई काम, डिजिटली कोई काम, ठीक है? क्योंकि सैटर्न जहां पर भी जाएगा राहु की एनर्जी लेके जाएगा, सीधी सी बात है, डिस्पोजिटर हो गया वो। हो सकता है आपके दादा का प्रोफेशन आप फॉलो कर जाए, बिकॉज राहु इन कैप्रिकॉन, राहु इन कैप्रिकॉन फॉरन में काम करने का, ऑनलाइन काम करने का शॉर्टकट किसी चीज का, मतलब वीनस राहु कैप्रिकॉन में, वीनस इज ब्रीव नाड़ी है ना, भृगु नाड़ी, राहु इज अ बृहद, बृहद नाड़ी है ना, हो सकता है ना? वीनस राहु इन कैप्रिकॉन, लग्जरी फॉरेन करेंसी, ठीक है? तो राहु एक्सपेंशन है एक्चुअली, बाद में उसके काम को एक्सपेंड करेगा राहु इन कैप्रिकॉन। डिफरेंट कम्युनिटी में काम करना, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ काम करना राहु इन कैप्रिकॉन। अब समझ में आया कि मून कैप्रिकॉन है तो क्यों ट्रैवल, सैटर्न उसकी एनर्जी लेके जा रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मून के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न हो तो मदर के लिए दिक्कत है, वो मदर को हार्डवर्क, मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, माँ काम काजी हो सकती है आज की डेट में, ठीक है? तो ये कैप्रिकॉन की बात होती है, वीनस इन कैप्रिकॉन बता दिया है, वीनस कैप्रिकॉन बता दिया, फाइनेंस रेवेन्यू सॉरी मेडिसिन, ठीक है ना? और उसमें भृगु नाड़ी भी आता है, भृगु नंदी नाड़ी भी आता है, ठीक है? कपड़ा भी होता है वीनस, ठीक है? लेकिन कपड़ा वीनस मरकरी मार्स जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, दर्जी भी हो सकता है ना वो, तो केतु अगर मार्स मरकरी और वीनस के साथ आए तो, ठीक है? तो ये सारे प्रोफेशन है कैप्रिकॉन को लेकर के। चलिए भाई कुछ कुछ चीजें समझ में आई।